एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक के बेटे को पुलिस वाले ड्रग सप्लाई करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेते हैं और अपने बच्चे को छुड़वाने के लिए उस आदमी के पास सिर्फ एक रास्ता बचता है कि वो किसी और बड़े ड्रग माफिया को पुलिस वालों के हाथों पकड़वा दे, जिसके लिए वो आदमी हंसी खुशी मान गया था। पर उस दौरान उसे काफी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जिसको हम इस मूवी में देखेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हम लोग जेसन नाम के एक लड़के को देख पाते हैं, जो कि अपने एक दोस्त से वीडियो कॉल पर बातें कर रहा था। तो वहाँ पर हम उन लोगों की बातों से जान पाते हैं कि असल में जेसन का दोस्त ड्रग सप्लाई करने का काम करा करता था, जिसमें जेसन भी उसकी मदद करता था। और अभी के समय पर जेसन का दोस्त उसके पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर भेजने वाला था। तब पहले तो जेसन उस ऑर्डर को लेने से मना करने लगता है, क्योंकि उसे इस बार डर लग रहा था। पर बाद में जब उसका दोस्त उसको थोड़ा सा फोर्स करता है, तब वो उस ऑर्डर को रिसीव करने के लिए मान जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद ही जेसन के घर में वो ऑर्डर डिलीवर हो गया था, जिसको लेने के बाद जेसन अपने घर के अंदर चला जाता है। पर बाद में उस ऑर्डर को खोलने पर उसे पता चलता है कि उस ऑर्डर के अंदर ड्रग्स के साथ साथ एक ट्रैकर को भी छुपा कर रखा हुआ था, जिसको देखने के बाद जेसन काफी ज्यादा परेशान हो गया था। और उसी दौरान हम लोग पुलिस वालों को भी देख पाते हैं, जो कि जेसन के घर में घुस आए थे। तब जेसन वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तब कूपर नाम का एक ऑफिसर उसका पीछा करते हुए उसे गिरफ्तार कर लेता है, जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होकर जॉन पर आता है, जो कि असल में एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक था। साथ ही उसकी एक बच्ची और एक बीवी भी थी, जिनके साथ वो हंसी खुशी रहा करता था। तभी अचानक से ही एक दिन उसके पास उसकी एक्स वाइफ का कॉल आता है, जो कि तुरंत ही उसे मिलने के लिए बुलाती है। तब जॉन भी उससे मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर उन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असल में बहुत साल पहले इन लोगों का तलाक हो गया था और जेसन कोई और नहीं बल्कि जॉन का ही बेटा है, जिसे पुलिस वालों ने पकड़ा था। अब क्योंकि जॉन को जेसन की सच में बहुत ज्यादा फिकर थी, इसीलिए वो तुरंत ही अपने लॉयर को बुलाकर उसके साथ पुलिस स्टेशन में चला जाता है, जहां पर उसे जेसन से बात करने के बाद पता चलता है कि असल में जेसन के दोस्त को पुलिस वालों ने टास्क दिया था कि अगर वो अपने एक साथी को पकड़वाता है तो वो उसकी सजा को कम कर देंगे। तब पुलिस वाले जेसन को भी बिल्कुल वैसा ही ऑफर देते हैं कि अगर वो अपने एक और साथी को पकड़वाता है तो पुलिस वाले उसकी सजा को 10 साल से घटाकर 2 साल कर देंगे। लेकिन जेसन को अपने दोस्त के अलावा किसी और के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, इसीलिए वो पुलिस वालों की कोई भी मदद नहीं कर पाता और पुलिस वाले उसे जेल में बंद कर देते हैं। तब जॉन काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि वो किसी भी हालत में जेसन को जेल से बाहर निकलवाना चाहता था, ताकि वो उसकी लाइफ को बर्बाद होने से बचा सके। तब अपनी जान पहचान की मदद से जॉन सीधा यूएस अटॉर्नी से मिलने के लिए पहुंच जाता है, जिसका नाम था केगन, जहां वो उससे बात करते हुए उसे अपने बेटे जेसन के बारे में बताता है और उसकी सजा माफ करने की बात करने लगता है। तब वो केगन के सामने प्रस्ताव रखता है कि वो उसके बेटे की सजा को कम कर दे और बदले में वो किसी और ड्रग डीलर को ढूंढकर उस तक ले आएगा, जिस पर केगन साफ इनकार कर देती है, क्योंकि वो किसी सिविलियन की जान को अपने फायदे के लिए खतरे में नहीं डालना चाहती थी। इसीलिए जॉन भी वहां से निकल जाता है, पर वो केगन की बात को नहीं सुनता। तब रात में वो अपनी गाड़ी में एक कैमरा लगाकर उस जगह पर जाने लगता है जहां पर उसे ड्रग डीलर मिल सकते थे। पर वहां पर जाने के बावजूद जब उसकी मुलाकात एक ड्रग डीलर से होती है, तो वो ड्रग डीलर उसे मारते हुए उसका सामान चोरी करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन सही टाइम पर वहां पर पुलिस वाले पहुंच गए थे, जो कि जॉन को उस डीलर से बचाते हुए तुरंत ही उस डीलर को पकड़ लेते हैं। तब जॉन भी वहां से बाहर आ जाता है और अगले दिन वापस से कीगन के ऑफिस में चला जाता है, जहां पर पहले तो कीगन जॉन के ऊपर पिछली रात की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, पर बाद में वो जॉन की हालत को समझते हुए उसकी बात को मान जाती है कि अगर वो किसी बहुत बड़े ड्रग डीलर को पकड़वा देगा तो वो उसके बेटे की सजा को आधा कर देगी। तब जॉन भी आज से ही काम पर लग गया था। सबसे पहले वो अपनी कंपनी में जाकर अपने एम्प्लॉयज का डेटा चेक करता है, क्योंकि उनमें भी काफी सारे ड्रग लेने वाले लोग पकड़े गए थे। तब उसे एक डैनियल नाम के बंदे के बारे में पता चलता है, जो कि ड्रग्स के केस में 2 बार जेल के अंदर जा चुका था, पर अभी के समय पर वो शराफत की जिंदगी जी रहा था और अच्छे से पैसे कमा रहा था। तब जॉन तुरंत ही डैनियल से मिलने के लिए जाता है और एक रेस्टोरेंट में उसके साथ डिनर करते हुए वो उससे किसी माफिया के बारे में पूछने लगता है, जो कि इस जगह पर ड्रग को सप्लाई करता हो। और किसी भी डीलर से मीटिंग फिक्स करवाने के लिए जॉन डैनियल को $20,000 तक देने के लिए तैयार था, पर क्योंकि डैनियल इन सब चीजों में वापस से नहीं बढ़ना चाहता था, इसीलिए वो जॉन को साफ मना करता हुआ वहां से चला जाता है।
तब रास्ते में डैनियल को वही लोग दिखाई देते हैं जिन्होंने कभी उसकी ड्रग्स की आदत डाली थी और अभी के समय पर वो उसके बेटे को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें देखने के बाद डैनियल को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही उनके ऊपर अटैक कर देता है। अब उन लोगों को पीटने के बाद डैनियल अपने बेटे के साथ अपने घर में आ जाता है, जहां पर उसकी बीवी नाइट शिफ्ट पर जॉब पर जाने के लिए तैयार हो रही थी और वो डैनियल से बातें करती हुई वहां से चली जाती है। तब डैनियल के दिमाग में जॉन की $20,000 वाली बात घूम रही थी और क्योंकि वो जानता था कि उसकी फैमिली को अभी पैसों की कितनी ज्यादा जरूरत है, इसीलिए वो जॉन की मदद करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो अगले ही दिन जॉन को लेकर अपने साथ मलिक नाम के एक ड्रग डीलर के पास जाता है और उसी दौरान हम लोग जॉन को देखते हैं जो कि डैनियल से छुपकर एक रिकॉर्डिंग डिवाइस को अपनी जेब में चालू कर डाल लेता है। असल में जॉन वहां पर उनसे मिलने के लिए इस तरह से आया था जैसे वो इस काम में उनका साथ देना चाहता हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे उन सभी माफिया को रंगे हाथ पकड़ना होगा, तभी जाकर उसके बेटे की सजा आधी हो पाएगी। तो पहले तो मलिक और उसके साथियों को जॉन के ऊपर भरोसा नहीं होता, पर बाद में जॉन जैसे तैसे कर उन्हें अपने ऊपर भरोसा दिलवा देता है। तब मलिक जॉन को उसका पहला मिशन देता है जिसमें उसे एक जगह से ड्रग्स की डिलीवरी लेकर मलिक के पास वापस आना होगा, जिस पर जॉन भी मान गया था। अब मलिक के पास से निकलने के बाद जॉन तुरंत ही केगन के पास चला गया था, जहां पर जाने के बाद वो उसे मलिक की सारी बातें सुनाता है। तब केगन भी जॉन की मदद करने के लिए मान जाती है और तुरंत ही कूपर को इस मिशन पर लगा देती है कि वो जॉन के ऊपर नजर रखेगा और तुरंत ही मलिक को पकड़ लेगा। तब जॉन ने कूपर के जरिए अपने ट्रक में काफी सारे माइक्रोफोन्स और एक ट्रैकर को लगवा लिया था ताकि कूपर को उसकी लोकेशन और साथ ही उसकी बातों के बारे में हर चीज पता रहे। और फिर रात में जॉन डैनियल के साथ अपनी पहली लोकेशन पर जाने के लिए निकल जाता है जहां पर से उसे ड्रग की सप्लाई उठानी थी। तब वहां पर जाते जाते उन्हें सुबह हो जाती है और वो लोग एक जंकयार्ड में पहुंच जाते हैं जहां पर सभी लोग सीमेंट की बोरियों में उनके ट्रक के अंदर ड्रग्स को लोड कर रहे थे, पर अचानक से ही वहां पर लोकल पुलिस पहुंच जाती है जो कि उन लोगों के ऊपर फायर करना चालू कर देती है। लेकिन तब जॉन जल्दी से सभी ड्रग्स को उठाकर अपने ट्रक में लोड करता है, जिसके बाद वो ट्रक में बैठता हुआ डैनियल के साथ वहां से भाग जाता है। तब हम लोग जंकयार्ड के ओनर को देख पाते हैं जो कि असल में मलिक से भी बड़ा आदमी था और क्योंकि जॉन ने उसका माल आज पुलिस वालों के हाथों पकड़े जाने से बचा लिया था, इसीलिए वो तुरंत ही मलिक को कॉल कर बोलता है कि उसके पास जॉन के लिए एक बहुत बड़ा काम है। वहीं जॉन ट्रक को लेकर उस लोकेशन पर पहुंच गया था जहां पर मलिक ने उससे मिलने के लिए बोला था, पर एंड टाइम पर मलिक उसकी लोकेशन को चेंज कर देता है और उससे नई लोकेशन पर आने को कहता है। पर इससे जॉन का अभी का प्लान पूरी तरह से बर्बाद हो गया था क्योंकि उसने कूपर की टीम को आसपास ही तैनात करवाया हुआ था ताकि जैसे ही मलिक वहां पर ड्रग की सप्लाई लेने के लिए आए वैसे ही वो लोग आकर उसे गिरफ्तार कर लें। लेकिन अब जॉन तुरंत ही डैनियल से छुपते हुए जल्दी से कूपर को कॉल कर नई लोकेशन के बारे में बताता है और जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचने को बोलता है। तब जॉन के कॉल काटने के बाद डैनियल को उसके ऊपर शक हो गया था कि वो पुलिस वालों से मिला हुआ है, इसीलिए वो तुरंत ही अपनी गन को उसके ऊपर तानते हुए उससे सच्चाई के बारे में पूछने लगता है। लेकिन जॉन उसे सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं बताता बल्कि वो उससे बातें करता हुआ किसी तरह से उसे अपनी बातों में फंसाता है और उसके बाद दूसरी लोकेशन पर जाने के लिए निकल पड़ता है। तब उस लोकेशन पर जाने के बाद जॉन तुरंत ही मलिक के हाथों में वो ड्रग्स दे देता है। तब मलिक भी उसे पैसे देता है और उसे जंकयार्ड के ओनर के काम के बारे में बताता है, जिसके लिए वो मलिक के सामने तो मान गया था पर असल में उसके मन में यही चल रहा था कि जल्दी से पुलिस वाले आकर मलिक को गिरफ्तार कर लें और यहाँ पर से जॉन अपने घर में वापस जा पाए। तब वहीं पर हम लोग कूपर और उसके साथियों को भी देख पाते हैं जो कि पहले तो मलिक को पकड़ने के लिए जाना चाहते थे पर अभी के टाइम पर वो मलिक को नहीं पकड़ने वाले थे, जिसका सीधा सा रीजन यही था कि वो चाहते थे कि मलिक असल में जॉन को केएल टीपू का काम दे जो उस जंकयार्ड का ओनर था और सच में एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया था। और अब कूपर सीधा जॉन के जरिए केएल टीपू को पकड़ना चाहता था, पर जॉन को इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो तुरंत ही अगले दिन जाकर कूपर के ऊपर भड़कने लगता है। लेकिन तब केगन किसी तरह से दोनों को शांत करवाते हुए जॉन को वहां से भेज देती है। फिर जब जॉन अपनी कंपनी में बैठा होता है तभी अचानक से उसके पास केगन का कॉल आता है जो कि उसे बताती है कि जेसन को काफी सारे कैदियों ने जेल में मारा है, जो जानकर जॉन तुरंत ही पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगता है। पर तभी डैनियल की नजर उस पर पड़ती है जो जब देखता है कि जॉन काफी हड़बड़ी में कहीं पर जा रहा है तो वो तुरंत ही उसका पीछा करने लगता है।
और अब जाकर उसे फाइनली पता चल गया था कि जॉन पुलिस वालों के साथ मिला हुआ है। फिर पुलिस वालों से मिलने के बाद जब जॉन वापस आता है तो डैनियल उसके सामने आकर उससे सच्चाई के बारे में पूछने लगता है। और अब क्योंकि जॉन कोई और बहाना नहीं बना सकता था, इसीलिए वो डैनियल को पूरी सच्चाई बता देता है, जो जानने के बाद डैनियल को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, क्योंकि वो जानता था कि मलिक को अगर इस बारे में पता चला तो इन दोनों की फैमिली खतरे में आ जाएंगी। और क्योंकि डैनियल अपने बुरे कामों की वजह से अपनी फैमिली को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए वो जॉन का साथ इसी वक्त छोड़कर यहाँ से चला जाता है। लेकिन अपने घर पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी बीवी को वो पैसों से भरा बैग मिल गया है, जो कि पिछली रात मलिक ने उसे दिया था, जिससे उसकी बीवी समझ जाती है कि उसका पति वापस से गलत राह पर चल पड़ा है, और इसी मारे वो रोने लगती है। तब वो खुद भी रोते हुए सबसे पहले अपनी बीवी को अपने गले से लगाता है और उसे बताता है कि उसे जल्दी से जल्दी अपने बेटे को इस शहर से लेकर निकलना होगा, क्योंकि वो जानता था कि अगर मलिक को सब कुछ पता चल गया तो वो सबसे पहले डैनियल की ही फैमिली को टारगेट बनाएगा। तब उसकी बीवी भी इस बात के लिए मान जाती है। वहीं हम लोग जॉन को देखते हैं, जो कि जब अपने घर में पहुंचता है तो वहां पर मलिक और उसके साथी बैठे हुए थे, जिन्हें देखने के बाद जॉन को लगने लगता है कि शायद डैनियल ने उन्हें सारी सच्चाई बता दी होगी और इसीलिए वो यहां पर आए हैं। लेकिन अंदर जाकर जब जॉन मलिक से बात करता है, तब जाकर उसे पता चलता है कि असल में मलिक वहां पर उसे केएल टिपू के पास ले जाने के लिए आया हुआ है। तब वो लोग अपने साथ जॉन को अपनी गाड़ी में बिठाकर उस जगह पर लेकर जाने लगते हैं जहां पर केएल टिपू मौजूद था। तब केएल टिपू के पास जाकर जॉन को पता चलता है कि असल में केएल टिपू का असली नाम पिंट्रा है। तब पिंट्रा जॉन से बात करते हुए उसे उसके टास्क के बारे में बताता है। असल में पिंट्रा चाहता था कि जॉन उसके अब तक के सारे कमाए गए काले धन को अपने साथ लेकर मैक्सिको बॉर्डर के पार चला जाए, जहां पर पिंट्रा के साथ ही उसे मिल जाएंगे और जॉन को उन्हें वो सारे के सारे पैसे देने होंगे, जिसके बदले में पिंट्रा जॉन को $2.5 लाख ऑफर करता है और साथ ही वो उसे अपनी गैंग में भी एक बहुत खास पद देने वाला था, जिस पर जॉन भी मान जाता है, क्योंकि वो किसी भी हालत में पिंट्रा को पकड़वाना चाहता था। तब जॉन सबसे पहले अपने घर जाकर अपनी वाइफ से बात करता है और उसे भी अपनी डॉटर को लेकर उस शहर से बाहर भेज देता है, जिस पर उसकी बीवी भी मान गई थी। फिर अगले दिन हम लोग जॉन को कूपर और कीगन के साथ देख पाते हैं, जहां पर वो उन्हें पिंट्रा से मिलने के बारे में बताता है। तब ये लोग इसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि जॉन उसकी नजरों में आए। तब कूपर यहाँ पर जॉन को समझाने की कोशिश करता है कि असल में पिंट्रा कार्टेल का राइट हैंड है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उस जगह का सबसे बड़ा माफिया था। वो सभी लोगों से काम करवा तो लेते थे, पर बाद में काम होने के बाद वो उन्हें जान से मार देते थे, और अगर जॉन उनके काम को कर भी देता तो हो सकता था कि वो लोग उसे भी जान से मार दें। इसीलिए कूपर नहीं चाहता था कि जॉन उस मिशन को अंजाम दे, पर जॉन उसकी बात को नहीं सुनता और कीगन से इस बारे में बातें करने लगता है। साथ ही उसने कीगन के सामने ये प्रस्ताव भी रख दिया था कि अगर वो पिंट्रा को पकड़वा देता है तो ये लोग उसके बेटे को तुरंत ही छोड़ देंगे, जिस पर कीगन भी मान जाती है और जॉन यहाँ पर से जाने लगता है। तब पार्किंग एरिया में वापस से कूपर जॉन से मिलने के लिए आता है और उसे समझाने लगता है कि शायद उसे इस काम को नहीं करना चाहिए, पर जॉन के दिमाग में एक प्लान था जिसके अकॉर्डिंग ही वो पिंट्रा को पकड़वाने वाला था। और तब जॉन यहाँ पर से सीधा डैनियल के घर में चला जाता है, जहाँ पर उन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असल में जॉन को पुलिस वालों के ऊपर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वो जॉन को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। तब जॉन यहाँ पर डैनियल से बातें करते हुए सबसे पहले उससे माफी मांगता है, और क्योंकि डैनियल भी हमेशा के लिए मलिक से छुटकारा पाना चाहता था, इसीलिए इस बार वो जॉन का साथ देने के लिए मान जाता है। तब इन दोनों का प्लान अगले दिन सीधा अटैक करने का था। तब जॉन यहाँ पर डैनियल से बोलता है कि अगले दिन वो मलिक के पास जाकर उसके फोन से किसी भी तरह से पिंट्रा का नंबर जॉन को शेयर कर दे, जिस पर डैनियल भी मान जाता है। फिर अगले दिन जब जॉन और डैनियल साथ में थे, तब जॉन के पास वो एड्रेस आ जाता है जहाँ पर जाने के बाद उसे पिंट्रा का सारा काला धन वहाँ से कलेक्ट करना था। तब सबसे पहले तो प्लान के अकॉर्डिंग जॉन अपने उसी ट्रक को लेकर निकलता है जिसमें कूपर ने ट्रैकिंग डिवाइस को लगाया हुआ था, पर रास्ते में हम लोग देख पाते हैं कि जॉन अपनी गाड़ी को बदल लेता है और उसके बाद एक मिनी ट्रक को लेकर उस एड्रेस की तरफ जाने लगता है। साथ ही जब कूपर को इस बारे में खबर मिलती है कि जॉन का ट्रक 15 मिनट से एक ही जगह पर खड़ा है, तो वो तुरंत ही उस ट्रक के पास जाने के लिए निकलता है, जहां पर जाने के बाद उसे पता चल जाता है कि जॉन के दिमाग में उसका खुद का ही कोई प्लान चल रहा है, जो जानने के बाद उसे जॉन की सच में काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि किसी भी तरह के मिशन में वो किसी सिविलियन की जान को खतरे में नहीं डाल सकते थे। खैर, वहीं हम लोग जॉन को देखते हैं जो कि उस एड्रेस पर पहुंच जाता है जहां पर उसे कैश कलेक्ट करना था। तब वहां पर पिंट्रा का एक साथी जॉन को अपने साथ उस रूम में लेकर जाता है जहां पर वो सारा कैश रखा हुआ था। तब जॉन उस सारे कैश को देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि वो सच में बहुत ज्यादा पैसे थे।
तब पिंट्रा का साथी उस सारे कैश को लेकर एक ट्रक में लोड करवाने लगता है जिसको लेकर ही जॉन को यहाँ से जाना था। साथ ही हम लोग ये बात भी जान पाते हैं कि असल में पिंट्रा का साथी भी जॉन के ट्रक के पीछे ही रहेगा ताकि वो बाकी सभी चीजों को मॉनिटर कर सके। आगे हम लोग एक फीमेल पुलिस ऑफिसर को देख पाते हैं जो कि एक करप्ट पुलिस ऑफिसर थी, जिस वजह से वो पिंट्रा के साथ भी कांटेक्ट में थी और जैसे ही उसे जॉन के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही पिंट्रा को इस बारे में बता देती है। तो पिंट्रा भी जॉन से अपने कैश को बचाने के लिए कुछ सोचने लगता है। दूसरी तरफ हम लोग डैनियल को देखते हैं जो कि मलिक के घर के बाहर ही पहरा दे रहा था और जैसे ही उसे जॉन से सिग्नल मिलता है वो तुरंत ही मलिक के घर के अंदर घुसकर वहां के गार्ड्स को जान से मारने लगता है। और तब तक मलिक को भी सारी बातें पता चल गई थी, इसीलिए वो तुरंत ही डैनियल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है पर डैनियल उसे जॉन से मार देता है, जिसके बाद उसने पिंट्रा का नंबर तुरंत ही जॉन को सेंड कर दिया था। और अब धीरे धीरे जॉन का प्लान सक्सेसफुल हो रहा था। जैसे ही उसके पास पिंट्रा का नंबर आता है वो तुरंत ही उस नंबर को कूपर के पास भेज देता है और तुरंत ही उस लोकेशन पर जाने को बोलता है। लेकिन जब तक कूपर वहां पर पहुंचता है तब तक पिंट्रा वहां से निकल चुका था, पर क्योंकि अभी के टाइम पर कूपर के पास उसकी लोकेशन थी इसीलिए वो तुरंत ही पिंट्रा को पकड़ लेता है। वही पिंट्रा का वो साथी जिसे पिंट्रा ने जॉन के ट्रक के पीछे अपनी गाड़ी ले जाने को बोला था, उसे भी जॉन के बारे में सारी सच्चाई पता चल जाती है, इसीलिए वो तुरंत ही अपने बाकी सभी साथियों के साथ जॉन के ट्रक के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है ताकि वो जॉन का एक्सीडेंट करवा सके। लेकिन जॉन ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, वो उल्टा पिंट्रा के साथियों का ही कार एक्सीडेंट करवा देता है जिस दौरान पिंट्रा के काफी सारे साथी मारे जाते हैं। पर अभी भी बहुत से लोग ऐसे थे जो कि जॉन के पीछे पड़े हुए थे, पर तभी जॉन के ट्रक का भी बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ट्रक वहीं पर पलट जाता है, जिसके बाद जॉन की जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी तरफ पिंट्रा के साथी बढ़ रहे हैं जो कि उसे जान से मारने वाले थे। लेकिन वो लोग जॉन को जान से मार पाते कि तभी वहां पर कूपर अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है जो कि जॉन की जान को बचाता हुआ तुरंत ही वहां पर मौजूद पिंट्रा के सभी साथियों को जान से मार देता है। जिसके कुछ समय बाद हम लोग कीगन को देखते हैं जो कि अपने वादे के मुताबिक सबसे पहले जेसन को जेल से फ्री कर देती है। साथ ही सरकार की तरफ से जॉन को $1,00,000 का इनाम मिला था क्योंकि उसने पिंट्रा की काफी बड़ी रकम को पकड़वाया था। लेकिन जॉन उस रकम को खुद नहीं लेता, वो उस पूरी रकम को डैनियल को दे देता है। साथ ही अब तक डैनियल की पूरी फैमिली भी उसके पास वापस आ गई थी जिनसे मिलने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश होता है। आगे जेसन भी जॉन से वादा करता है कि आज के बाद वो कभी भी गलत रास्तों पे कदम नहीं रखेगा। तब जॉन उसको गले से लगाता है और उसके बाद अपनी अभी की फैमिली के पास वापस लौट जाता है जिनसे मिलने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हुआ था। खैर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।